अगर आप अपने मोबाइल से वीडियो एडिट करने के लिए एक वीडियो एडिटर ऐप की तलाश में हैं जो कि बिल्कुल फ्री हो और उसमें कोई वाटरमार्क ना हो और साथ में उसमें अच्छे अच्छे फीचर हो और वीडियो एडिट करने के लिए बिल्कुल ही आसान हो, तो आप वीटा वीडियो एडिटर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई वाटरमार्क नहीं है और इसमें अच्छे अच्छे आपको इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे जिसको देख के आपका मन बिल्कुल खुश हो जाएगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप वीटा वीडियो एडिटर ऐप को कैसे यूज़ करेंगे और इसके फीचर के बारे में आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक तो जरूर देखें। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते, तो चलते हैं शुरू करते हैं। वीटा वीडियो एडिटिंग ऐप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा प्ले स्टोर में, तो मैं जाता हूँ प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर खुलने के बाद आपको ऊपर सर्च में जाना है और यहाँ लिखना है वीटा, इसे सर्च करना है तो आपके सामने वीटा एप्लीकेशन आ जाएगी, तो आप इसे इंस्टॉल कर लें। तो मैंने इसे पहले इंस्टॉल किया हुआ है, तो हम चलते हैं इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद उसका इंटरफेस ऐसा है, तो यहाँ सबसे पहले आपको अलाउ करना होगा, फिर एग्री करना होगा। एग्री करने के बाद नीचे आपको प्लस का आइकन देखने को मिलेगा, तो आप इसे दबा दें और आप वो वीडियो सेलेक्ट कर लें जिसको आपने एडिट करना है। तो मैं गैलरी से वो वीडियो ले लेता हूँ जिसको मैंने एडिट करना है, तो आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा एडिट, तो यहाँ सेलेक्ट करें। और जहाँ से आपको पांच ऑप्शन देखने को मिलेगी, सबसे पहली है स्पीड और फिर है रिवर्स, फिर है वॉल्यूम, फिर है कॉपी, फिर है डिलीट। तो अगर आपने स्पीड को स्लो करना है या तेज़ करना है तो हम जाएंगे स्पीड में, तो मैंने इसकी स्पीड को स्लो करना है तो मैं इसे स्लो करूँगा। अगर आपने बढ़ाना है तो दूसरी तरफ करना होगा इस तरफ, और घटाना है तो इस तरफ करना होगा। तो मैंने इसकी स्पीड को स्लो कर दिया है तो मैं इसे करूँगा राइट। अगर आपको वीडियो को रिवर्स करना है तो सेकंड नंबर पर दिया हुआ है रिवर्स, और थर्ड में है वॉल्यूम, तो मैंने इसकी वॉल्यूम भी ख़त्म करनी है तो मैं इसे बिल्कुल जीरो कर दूंगा। अगर आपको बढ़ानी है तो इसे 200 तक बढ़ा सकते हैं, तो मैं तो इसको ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं जीरो कर दूंगा। तो इसे करते हैं राइट, तो चलते हैं बैक। और उसके अगला ऑप्शन है रेटियो, अगर आपने इस वीडियो का साइज को चेंज करना है, अगर किसी भी वेबसाइट में आपको ये वीडियो डालनी है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको साइज को सेट करना है, जैसे कि टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ऐसे सोशल मीडिया में आपको इसको शेयर करना है, तो आपको उसके हिसाब से आपको साइज को सेट करना होगा। तो मैं 16:19:99 करता हूँ तो ये सेट हो जाएगा यूट्यूब के लिए, तो इसे सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद है टेक्स्ट, अगर आपने इस वीडियो में कोई लिखना है, टेक्स्ट करना है, तो यहाँ टेक्स्ट पर ऑप्शन पर आपको टेक्स्ट कर सकते हैं, जहाँ आपको तीर के निशान पर क्लिक करना है, तो जहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे टेक्स्ट को, टेक्स्ट के लिए अलग अलग फॉन्ट्स हैं, तो आपको कोई भी सिलेक्ट कर लें जो आपको अच्छा लगता है। आगे बहुत हैं, ये टाइटल से मैं एक फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए मैं ये वाला कर लेता हूँ। ये आपको डाउनलोड करना होगा तो मैंने डाउनलोड कर लिया है, और जहाँ से हम लिखेंगे आप कुछ भी लिख सकते हैं, और जहाँ भी आपको चाहिए वहाँ आप इसे सेट कर दें, जितना चाहे लंबा, कितने टाइम का सेट करना है वो भी सेट कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए सेट हो गया, तो मैं जाता हूँ बैक, फिर बैक। और उससे आगे है म्यूज़िक, अगर आपने यहाँ कोई म्यूज़िक लगाना है इस वीडियो में तो वो भी लगा सकते हैं। जो मैं जाता हूँ म्यूज़िक में, म्यूज़िक में जाने के बाद जहाँ आपको बहुत सारे ऑलरेडी म्यूज़िक मिलेंगे जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास गैलरी में है तो आप माई डिवाइस में जाकर भी कोई भी साउंड लगा सकते हैं, तो मैं जहाँ से ही डाउनलोड करके जहाँ साउंड लगाता हूँ। इसके अलावा यहाँ आपको इफ़ेक्ट भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि टीवी नॉइस है, टीवी बीम, ऐसे बहुत सारे इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये अभी डाउनलोड हो रहा है, स्पीड थोड़ी सी कम है इंटरनेट की, मैं इसको लगा देता हूँ तो इसे यूज़ करेंगे। अब ये देखिए पूरा लग गया है वीडियो में ये गाना, तो चलते हैं बैक। और अगली ऑप्शन है फ़िल्टर, अगर आपने इस वीडियो को गोरा करना है या काला करना है, जो भी इफ़ेक्ट करना चाहते हो, या ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हो, बहुत सारे फ़िल्टर इसमें अवेलेबल हैं। ये देखिए अभी इसमें हम कोई ना कोई
अच्छा करने के लिए। सेलेक्ट करने के बाद आगे है इफेक्ट, जहाँ जाएंगे और जहाँ देखेंगे आपको बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। जहाँ बेसिक है कि आपको अगर कैमरा की तरफ रिकॉर्ड करना है तो ऐसे अलग अलग इफेक्ट लग जाएंगे। जूम आउट हो तो ऐसे इफेक्ट मिलेंगे, तो मैं जैसे वाला कर देता हूँ, तो जाएंगे इसको भी मैं पूरा कर देता हूँ कि मेरी पूरी वीडियो में आए। और फिर चलते हैं बैक, उसके बाद है वॉल्यूम को तो आपको पहले भी मैंने बता दिया, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आगे है स्पीड और स्केल, बस ये ऑप्शन है। हम इफेक्ट में एक तो इफेक्ट और लगा देते हैं, आपको दिखा देता हूँ। इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा और जहाँ एक इफेक्ट हो लगा देते हैं ताकि ये थोड़ा सा सुंदर लगे। या और बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ अच्छा लग रहा है। बहुत सारे ऑप्शन है, कन्फ्यूजन हो जाता है आदमी, लगा देते हैं। तो ये देखिए अब जाएंगे बैक। बैक जाने के बाद जहाँ आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, अगर आपने अपने गैलरी में इसे सेव करना है तो यहाँ अलग अलग क्वालिटी में है। आपको अगर HD क्वालिटी में करना है तो 1080 में करेंगे हम सेलेक्ट। तो ये देखिए सेविंग वीडियो हो रही है। तो हमारी वीडियो पूरी हो गई है सेव, तो आप देखते हैं इसका इंटरव्यू। देखिए वीडियो पूरी तैयार हो गई है, पर आपको देखने को मिल जाएगा कि ऊपर वाटरमार्क लगा हुआ है इसका, तो हमने इसे भी हटाना है। इसके लिए आपको एक सेटिंग करनी होगी सबसे पहले, जो मैंने आपको पहले बताई नहीं। तो ऊपर देखो आपको सेटिंग का आइकन देखने को मिलेगा, आपको जहाँ सेलेक्ट करना है और जहाँ लिखा हुआ है वीटा वाटरमार्क, इसे बंद कर देना है। तो फिर बैक का जाना है, तो इसी वीडियो में फिर जाना है और जहाँ एक्सपोर्ट में जाना है तो फिर से इसे डाउनलोड करना है। अब देखना, अब आपको कोई भी वाटरमार्क देखने को नहीं मिलेगा। ये मैंने आपको पहले नहीं बताया था ताकि आपको पता लग जाए, क्लियर हो जाए कि इसमें ऑलरेडी वाटरमार्क आता है, आप हटा सकते हैं। तो अपनी वीडियो तैयार हो गई है, तो ये देखिए अब इसमें कोई वाटरमार्क नहीं आएगा। वो देखिए कॉर्नर में कोई वाटरमार्क नहीं आया है, ये देखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आपको ये एप्लीकेशन कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीचर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब फ्री है। कोई भी 1% भी आपको कोई भी पैसा खर्चने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया इफेक्ट देखने को मिलेंगे आपको इस साइड में, जो मैंने पूरा डिटेल में नहीं बताया, तो आप चलाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, टिल दे बाय बाय। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। ओके।